नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं पापड़ रोल्स बनाने जा रही हूँ। खाने में कुरकुरे और चटपटे हैं, इसमें चीज और चटनी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये दो आलू लिए हैं, आलू को अच्छी तरह से धो लिया था, अब इनको हम छील लेंगे। अगर आपको लंबे आलू मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर छोटे हों तो आप छोटे से भी बना सकते हैं। आलू हमने छील लिए हैं, अब इसको हमें साइडों से निकाल लेना इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा। अब हमें एक इंच के हिसाब से हमें इस तरह से सारे पीस काट लेने हैं, थोड़े मोटे मोटे से। ये आलू है हमारा, वेस्ट नहीं जाएगा, इसको आप छोटे भी बना सकते हैं या इनको आप किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं। अब आलू को हमें एक एक इंच की लंबाई में काट लेना है इस तरह से। मैं सारे आलू काट लूँगी। इस तरह से हम सारे आलू काट लेंगे। इनको हाथ के हमें पानी में डालना है और तीन चार पानी में धो लेना है। इनको अच्छी तरह से हमें तीन चार पानी में धो लेना है। इधर हमने पानी उबलने के लिए रख दिया था, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन आलुओं को मैंने तीन चार बार पानी में धो लिया था अच्छी तरह से। इसमें बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, जैसे मैंने आपको काट के दिखाया है। अगर एक दो मोटे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने 7-8 मिनट के लिए पानी में उबाल लेंगे। ये हमने 6-7 पापड़ लिए हैं, आप इनको तोड़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर सूखे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप धूप में सुखा सकते हैं इनको। इस तरह से करके हमें ये छोटे छोटे पीस तोड़ लेना है। अब मिक्सी में चलाना चाहते हैं तो मिक्सी में भी ये आप कर सकते हैं। इधर हमारे आलू उबल रहे हैं, इधर हम गोल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1/4 बेसन लिया है, इसको हम डाल देंगे। अब 1/4 ही हमने चावल का आटा लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। अब 1/4 हमने मैदा लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च और लहसुन को पीस लिया था, इसका हम पेस्ट डालेंगे। और 1 चम्मच हम धनिए की चटनी डालेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का डालना है। 1/2 चम्मच हमने काला नमक लिया है, क्योंकि हमने नमक आलू में भी डाला है इसलिए हमें थोड़ा नमक डालना है। और 1/2 चम्मच हमने मिक्स हर्ब्स लिया है। 1/4 हमने चीज़ लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। और 1/2 हमने नींबू लिया है, हम इसको हम निचोड़ देंगे। अब इन सब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें ज़्यादा पतला, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इस घोल को तैयार करना है। घोल हम एक तरफ रख दे रहे हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आलू को आप तोड़ के देख सकते हैं, ये आलू हमारा पक चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। आलू थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। एक आलू हम उठाएंगे, इसको हमें इस घोल में लपेट लेना, आप इस तरह से डिप कर लीजिएगा। इन पापड़ में हमें इस तरह से लपेट लेना है।
अच्छी तरह से आप तैयार करके रख सकते हैं। इस तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं। ये अब इधर हमने घी रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। मीडियम आंच पर इसको हम तलेंगे। अब एक एक करके हम इनको डाल देंगे। इनको एक मिनट बाद हम पलटेंगे, नहीं तो नीचे से ये चिपके होते हैं, ये टूट जाएंगे। लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इस तरह से हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, पापड़ रोल्स बनाने कितने आसान है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ही कुरकुरे भी हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।